इसके इतिहास का दूसरा इतिहास नहीं रहेगा, अपना इतिहास ही नहीं जानेगा कि मैं कौन था, कौन हूँ, किस वंश का हूँ, तो क्या बताएगा। जैसे अगर किसी बच्चे के माँ बाप का नाम ही ना पता हो, अगर उसके माँ बाप के बच्चे का नाम ही ना पता हो, तो वो क्या बताएगा कि मैं किसका बेटा हूँ। साथियों, आप लोगों का जैसा इतिहास रहा है इस भारतवर्ष की भूमि पर, ऐसा इतिहास किसी भी अन्य समाज का नहीं है। क्यों? इस देश के तमाम जो बहुत बड़े बड़े अपने को सम्राट और बहुत बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऐसे समाज के लोगों ने आक्रांताओं के सामने अपनी बहन बेटियों को सौंप दिया, उनसे अपनी बहन बेटियों की रिश्तेदारी कर ली। लेकिन ये पासी समाज कभी अपनी बहन बेटियों से सौदा नहीं किया, कभी किसी के आगे झुका नहीं, राजघाट सब कुछ चला गया, उसका सर कलम हो गया, घर से अलग हो गया, लेकिन वो आताइयों आक्रांताओं के सामने कभी झुका नहीं। ऐसे सब किसके संतान हो? महाराजा सुहेलदेव पासी को आप लोग नाम सुनते हो, ऐसा वीर आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने एक दो नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांता को मारा था। भारत के इतिहास में कहीं अन्यत्र नहीं लिखा है कि किसी वीर महापुरुष ने 1000-2000 लोगों को ही मारा हो। उसके नाम के आगे लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव ने ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार को 1034 ईस्वी को 1-2 नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांताओं को मारा था। ये लिखा है इतिहास में आपने। और केवल हमारे पुरुष ही नहीं, मेरे समाज के वीरांगना हमारी देखिए माता जो है उदा देवी आपके